आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच, और केवल सच से मैं बक्सर ब्यूरो हूँ राकेश पांडे। अभी मैं आया हूँ पटना कार्यालय में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के भाई सुधाकर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आइए जानकारी लेते हैं आज प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, इस बैठक का क्या कारण था और क्या उद्देश्य है आज की बैठक का। सबसे तो पहले हमारे केवल सच में आपका स्वागत है। जी, आप केवल सच के जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर हैं सबको मेरा प्रणाम है, क्योंकि आज का प्रोग्राम था हमारा ये। आज हमने जो विगत कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले हमने प्रदेश कार्य समिति की, जो प्रदेश में हमारे साथ युवा साथी आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो आदरणीय शरद पवार जी हैं, उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया है, उन लोगों का आज हमने उन सभी साथियों को, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संगठन सचिव को हमने आज मनोनयन पत्र दिया है। यह सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के जो हमारी टीम है उसका मनोनयन पत्र देने का कार्यक्रम था। बिहार में नीतीश सरकार कहते हैं, आपके नीतीश बाबू, कि शराब बंद है, तो शराब बंद है या कि राजस्व का खजाना बंद है? और यहाँ पे नीतीश बाबू के बगल के आवाज से शराब पाया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न पिछली बार जब मैं मीडिया में बैठा था तो बिहार के मद्य निषेध के डायरेक्टर है कृष्णानंद पासवान जी, और उन्होंने एक बड़ा हास्यास्पद मामले में, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया है, उनके जो अभी एजेंडा उनका रोज 1-2 दिन पे बदलते रहता है, तो कृष्णानंद पासवान जी ने एक निकाला कुछ दिन पहले, हम न्यूज़पेपर में पढ़े, जिस पर हमने मीडिया में भी कहा और कई सारे मीडिया के हमारे जो मित्र हैं उन्होंने हमसे इस सवाल को पूछा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और यह काफ़ी हास्यास्पद आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों के पास जाएगा उन्हें भी बहुत हंसी आएगी कि हमने आज हमारे साथ मीटिंग की और बहुत सारी महिलाएं थी, हमने पूछा कि मैडम शराब बंद है क्या, दीदी शराब बंद है, तो कहती है कहाँ शराब बंद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर किसी महिला को ले जाते हैं और कहती है बिहार में शराब मिलता ही नहीं है। तो ये जो चीजें आज बिहार में परोसी जा रही है, महिलाओं के मन में एक परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है नीतीश कुमार के प्रति कि हम महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं। अगर वह सच्चे हितैषी रहते हैं तो यह जो 35 लोग अभी होली में मरे हैं वो कहाँ से मरे? शराब बंद है तो फिर भी लोग मर रहे हैं, किस चीज से मर रहे हैं? यही तो मेरा भी प्रश्न है कि जो आदमी अब जो बड़ी मीडिया है बैठकर नीतीश कुमार जी की बड़ाई करते हैं कि बिहार लिखा फ्री स्टेट है, तो ये 32 आदमी मर जाते हैं और नीतीश कुमार जी 4-4 लाख रुपया भी देते हैं और वहाँ का थाना प्रभारी SP और DSP सस्पेंड नहीं होता, लेकिन हम बिना हेलमेट का मेरा कोई व्यक्ति ऑफिस के आगे बढ़ा जाता है तो उसको 5 रुपया का चालान देना होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नियम के खिलाफ हम है, मैं कहता हूं कि नियम होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नियम उनके लिए भी होना चाहिए जो नीतीश कुमार के सिपा सवार है, नियम उनके लिए भी होना चाहिए जिन्होंने यह योजना बनाई है। तो ये योजना सिर्फ बनाते हैं और इन्हीं के जो पदाधिकारी गृह मंत्री भी बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के CM और गृह मंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो जिस पुलिस और जिस थाने के अंदर वह जहरीली शराब पाई गई उस शराब पूर्ति को कहीं जाया नहीं होगा, किसी सड़क से आया होगा और सड़क के माध्यम से किसी राज्य से आया होगा या यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ होगा, आपकी पुलिस कर क्या रही है? सीधा सीधी आपके मीडिया के माध्यम से हम बिहार के आम जनता को बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनिपुलेशन करने की पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, यहाँ शराब बंद नहीं है। मेरी निराश वाली युवक कांग्रेस की जो कहलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उन्होंने हमसे कहा, हमने कई लोगों से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा शराब सर बंद कहाँ है। हाँ ये है कि शराब बंद होने से शराब का दाम ज्यादा हो गया, जिस कारण जो व्यक्ति उस आर्थिक स्थिति का नहीं है कि वह उस शराब को परचेज कर, शराब पे गाना भी निकला हुआ है, वायरल वीडियो जो हो रहा है कि
1200 में फूल बा, 600 में आप। सही है, ये किए कही ना कि हमको तो कई लोग मिले, हम पूछे कि ब्याह को शराब बनने वाला भैया कहाँ चाहिए आपको, शराब वहाँ बना देंगे। हमको तो कई लोग आए ब्याह को शराब बन रहे, ऐसे मैं भैया को आसान करता हूँ तो बोलता आप जहाँ कहिएगा हम वहीं बना देंगे, ये दाम ज्यादा। अभी फिलहाल में यूपी में भाजपा की जीत हुई है, भाजपा के कहें या जोगी जी की कहें, यहाँ तो जोगी और मोदी जी की सरकार है, तो जोगी जी की जीत हुई है और जोगी जी के तर्ज पे ही बुलडोजर का हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी वही बुलडोजर के तर्ज पे माफिया का ये सफाई अप कर देंगे बुलडोजर से। माफिया आप किसको कहते हैं? माफिया जिसके बारे में आप कहते हैं बिहार में कि माफिया है, उस किसको कहते हैं? क्या माफिया यहाँ का नीतीश कुमार का जितना अंचल अधिकारी है, जितना वीडियो है, वो माफिया है? माफिया कहाँ किसको रहे हैं? आप चले जाइए, कोई जमीन खरीदिए आप एक कट्ठा, आप उसके मेडिटेशन के लिए जाएंगे, कर्मचारी साहब आपसे एक टेबल पर 3000 लेंगे, अगला सीआई साहब के पास जाएगा वह 3000 लेंगे, उसके ऊपर जाएगा सीओ साहब उनका पद बढ़ाया हो जाता पैसा लेंगे। आप तो लग कहाँ रहा है, बिहार में तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। ये तो वही बात है ना, जिस तरह कि आपने उत्तर प्रदेश के राजनीति की चर्चा करी, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पोस्टल बैलेट पड़ा है उसमें 52% मत मिला है बीजेपी के विपक्ष के, अखिलेश यादव पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट देख कौन रहा है? पोस्टल बैलेट देता है जो किसी न किसी पद स्थापित जॉब में रहता है, और जॉब में वो रहता है जो जिसका पढ़ाई का लेवल बेहतर होता है, वो कंपटीशन फेस करके जॉब में जाता है। तो जो जॉब में जा रहा है उसको लग रहा है कि सरकार तो उठा रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। तो जॉब वाले लोग 52% लोगों ने अखिलेश यादव को वोट पोस्टल बैलेट किया, तो इससे यह जाहिर हो रहा है, देख लीजिए ना, जहां भी शिक्षा का स्तर बेहतर है वहां मोदी जी का यह राम बनने का नाटक नहीं चलता है। अभी पेट्रोल का जो दाम है आसमान छू रहा है, 110 रुपये कुछ पैसे हो गए हैं, अभी देख ही रहे हैं आप, डीजल का भी वही हाल है। तो आपको क्या लगता है कि किसान जीवित रह जाएंगे? अभी फसल किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी की जरूरत है। हाई कोर्ट ने माननीय नीतीश कुमार जी को कहा कि शराब बंदी पर उनको कई बार फटकार लगा चुका है कि जब आपके पास प्लानिंग नहीं था तो आपने शराब क्यों बंद किया। तो इसी तरह देश के जो उच्चस्थ नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। अगर मास्टर प्लान होता तो डिमोनिटाइजेशन की बात करके लोगों के अकाउंट में इतना पैसा आ जाने की बात करने वाले लोग आज कहां किसके अकाउंट में पैसा आया? अगर आया तो बता दें। आप एवल लोग को जाने नहीं देते, जिनको उनके क्षेत्र में महारत प्राप्त है वैसे लोगों को नहीं दीजिएगा। अब आप क्रिकेट से अभी रुचि रखते हैं और क्रिकेट से भारत का 60-65% जनता अभी रुचि रखता है। आप हमको बहुत महोदय बताए हैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको ओपनिंग में देखते हैं कि वह ज्यादा देर पिच पर टिका रहे और रन भी ज्यादा बनाए। पैरवी वाले लोग को आप नहीं भेजते, जो 11वां खिलाड़ी है उसको ओपनिंग में नहीं भेजते। यहाँ क्या है ना, जो 11वां खिलाड़ी ओपनिंग कर रहा है। और एक चीज बताइए, लास्ट हमारा सवाल है भाई सुधाकर जी आपसे, अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, तो क्या 2024 में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार के लोगों के लिए विकल्प के रूप में खड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि बिहार की आम जनता भाजपा को नहीं देखी, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, शराब बिक रहा है, 32 लोग मर रहा है, वह जनता त्रस्त है। हमारे प्रति उसकी सीधा गए हैं उनके गाँव, जिस फैमिली में लोगों ने बड़ा लोग बड़े हैं शराब पीकर होली में है, हम मैं उसके गांव गया हूँ और लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के या आंदोलन में शरीक होने पर
पटना की धरती पर आ रहे हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव जो आना है, इसमें हम बिहार के बड़े विकल्प के रूप में जनता के सामने उपस्थित होने जा रहे हैं और हमारी स्थिति अच्छी बन रही है और 2025 की जो धरती होगी, बिहार की जमीन होगी, वह निष्पक्ष, निडर और भ्रष्टाचार मुक्ति के नाम पर जो हमारे साथ लोगों का जनाधार जुड़ रहा है और व्यापक स्तर पर पंचायत लेवल तक के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भैया सबको देख लिए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अपने पर्दे आप प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम व्यूअर को, मैं प्रदेश के लोगों को यह मतलब आग्रह करना चाहता हूँ कि मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी लोगों ने अब तक सभी लोगों को वोट देकर देखा, लेकिन आपको क्या मिला आप उसका एनालाइज कर लीजिए। और इस बार अगर आप हमारे साथ खड़े होते हैं तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की जो हमारी नीति है, जो हमारा संकल्प है, उसको जड़ से मिटाएंगे। यहाँ आपको भाजपा का नेता कहता है शराब मिलता है बिहार, जिसकी सरकार है वह कहते हैं कि बिहार में शराब मिला है। नीतीश कुमार के नेता हमको कहते हैं, कई सारे हमारे मित्र हैं जनता दल के, नाम हम मीडिया के माध्यम से नहीं लेते हैं, वो कहते हैं, कहता है कि बिहार में शराब मिलता है।